हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सार्क लेक्चर के ऊपर। सो व्हाट इज सार्क? सार्क इज जस्ट अ एसोसिएशन एंड इसकी फुल फॉर्म जो है वो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सो सार्क का क्या मतलब है और इसका मीनिंग क्या है वो इसकी फुल फॉर्म से ही जाहिर हो जाता है। सो खैर, वो हम एक्सप्लेन करेंगे इसको डिटेल में। और इस वीडियो लेक्चर में हम फर्स्ट ऑफ ऑल सार्क की इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, देन उसके बाद हेडक्वार्टर्स पढ़ेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे कि ये क्यों बिल्डअप हुआ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हम इंट्रोडक्शन पार्ट की। तो इंट्रोडक्शन में देखिए, ये जो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है, ये जो सार्क है, बेसिकली ये एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है उन 8 कंट्रीज़ की जो सदर्न एशियाज में पाई जाती हैं। ठीक है, मतलब जो 8 कंट्रीज सदर्न एशिया पार्ट में जो हैं, ये उनकी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब उन कंट्रीज़ ने क्रिएट की हुई हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था 8 दिसंबर 1985 में। और वो 8 कंट्रीज़ कौन कौन सी है? वो है आपका इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान। ओके, देन उसके बाद अप्रैल 2007 में एसोसिएशन की जो 14 समिट थी उसमें अफगानिस्तान जो था वो 8th मेंबर इसका बना। ओके, सो अब बेसिकली ये जो आइडिया था ना, ये इस तरह की एसोसिएशन का, ये बेसिकली एक बांग्लादेशी प्रेसिडेंट जियाउर रहमान, उन्होंने इस तरह के रीजनल इस तरह की ग्रुप के लिए, ग्रुप की क्रिएशन के लिए प्रपोज किया था। और फाइनली ये जो आइडिया था इसके ऊपर साउथ एशिया में ये रखा गया अगेन इन मई 1980 में, एंड देन उसके बाद 1985 में इसको एस्टेब्लिश कर दिया गया। ओके, सो अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफ सार्क, ठीक है, और उनके सेंटर्स की भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर है, ये है आपका पाकिस्तान में। उसके बाद रीजनल ट्यूबरक्लोसिस सेंटर जो है वो है काठमांडू में। उसके बाद आता है रीजनल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर जो है वो आ गया आपका न्यू दिल्ली में। देन उसके बाद एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन जो सेंटर है वो भी आपका न्यू दिल्ली में। ओके, सो अब हम बात करेंगे मेन ऑब्जेक्टिव्स की। वो कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं एसोसिएशन के, मतलब वो कौन से ऑब्जेक्टिव है जिस वजह से ये स्टार्टअप हुआ, ये बिल्डअप हुआ, और बिल्डअप होने के बाद कौन कौन से उनके ऑब्जेक्टिव्स रहे हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑब्जेक्टिव है वो है लोगों की वेलफेयर को प्रमोट करना जो साउथ एशिया में रहते हैं, और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना। ओके, उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करना, सोशल प्रोग्रेस हो गया, कल्चर डेवलपमेंट हो गया रीजन में, ठीक है, एंड टू प्रोवाइड ऑल इंडिविजुअल द अपॉर्चुनिटी टू लिव इन डिग्निटी, मतलब सभी इंडिविजुअल्स को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना ताकि वो एक डिग्निटी के साथ रह सके। उसके बाद टू प्रमोट एंड स्ट्रेंथन कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस अमंग द कंट्रीज। और उसके बाद जितने भी कंट्रीज हैं साउथ एशिया की, जितनी भी कंट्रीज हैं उनको स्ट्रेंथन प्रोवाइड करना, और उनको मतलब सेल्फ रिलायंस, मतलब वो इस तरह से उनको सपोर्ट करना ताकि वो आत्मनिर्भर जो हैं वो हो सके। उसके बाद म्यूचुअल ट्रस्ट जो है वो क्रिएट कंट्रीब्यूट करना, अंडरस्टैंडिंग अप्रिसिएशन ऑफ वन एंड अदर प्रॉब्लम, एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझना, उसको दूर करना। उसके बाद प्रमोट एक्टिव कोलैबोरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंट इन द इकोनॉमिक सोशल कल्चर टेक्निकल एंड साइंटिफिक फील्ड, मतलब जितने भी ये जो फील्ड है ना, इकोनॉमिक सोशल कल्चर टेक्निकल और साइंटिफिक, इन फील्ड में मतलब एक्टिवली असिस्ट करना एक दूसरे को, ठीक है। देन उसके बाद टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज, जितनी भी अदर डेवलपिंग कंट्रीज है उनके साथ कोऑपरेट करना। नेक्स्ट आता है टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन अमंग देमसेल्फ इन इंटरनेशनल फॉर्म्स ऑन मैटर्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, मतलब जितने भी कॉमन इंटरेस्ट रहे होंगे, मतलब इन सभी 8 कंट्रीज में, उनमें एक उनमें कोऑपरेशन को लेके स्ट्रेंथन करना, ठीक है। सो गाइस, ये था आपका सार्क, जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं। और सो खैर, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।